अमानगंज क्षेत्र में खराब पान मसालाओं की भरमार, लोगों की सेहत से किया जा रहा खिलवाड़। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू एवं उसके बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया है, मगर इसी बीच व्यापारियों द्वारा इस कठिन समय को कालाबाजारी के साथ साथ खराब माल बेचने के लिए अवसर बनाया जा रहा है, जिसमें पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र में इन दिनों खराब पान मसाला की भरमार देखी जा रही है। और राष्ट्रीय पान मसाला, पराग पान मसाला, तानसेन पान मसाला, किसान पान मसाला सहित तमाम मसालों में गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है। जो पैकेट खोलने के अंदर पान मसाला लाल कलर का निकलता है। लोगों का कहना है कि इन पान मसाला में गुणवत्ताओं की कमी देखी जा रही है, जो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसे अमानगंज क्षेत्र में काफी मात्रा में खपाया जा रहा है। हाँ, ऐसा ही है। कैसा पान मसाला महंगा मिल रहा है और अधिक बिक रहा है। लोकल खाने में कैसा रहता है? खाने में स्वाद ही नहीं है उसमें, बिल्कुल। कलर भी चेंज रहता है? कलर चेंज है। कैसा रहता है? लाल लाल है। लाल पान मसाला? लाल पान मसाला रद्दी आता है। जैसे पीस वाला कोई लो तो कितने का आता? 30 रुपया में। 30 रुपए में। धन्यवाद। ये वजह क्या मानी जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से? क्या वजह? लॉकडाउन की वजह से है। अमानगंज ज्वाला माता मंदिर के पीछे तालाब में असामाजिक तत्व द्वारा फैलाई जा रही गंदगी, तालाब में डाले जा रहे पक्षियों के पंखे। अमानगंज मुख्य नगर पालिका अधिकारी एस एस तिवारी एवं अमानगंज प्रशासक तहसीलदार डॉक्टर अमंत का तिवारी नगर को स्वच्छता बनाए रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्याम सुंदर तिवारी तड़के सुबह उठकर नगर में भ्रमण कर नगर को स्वच्छ बनाने औचक निरीक्षण करते हैं, मगर कुछ असामाजिक तत्व द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने की जगह नगर को गंदा करने पर आमादा देखे जा रहे हैं। ताजा मामला अमानगंज ज्वाला माता मंदिर के पास तालाब के पास कुछ लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है एवं मांसाहारी पक्षियों के पंखे तालाब में डाले जा रहे हैं, जिससे वह पंखे उड़कर सड़कों पर उड़ते दिखाई देते हैं। क्या है आज? क्या समस्या ये है कि कोरोना काल का समय चल रहा है और लोग बाग जो है कचरा, जो अपने घरों का कचरा निकलता है, वो कचरा गाड़ी में न डाल के यहाँ ज्वाला माता मंदिर की जो तलैया है यहाँ पर डाल रहे हैं और कुछ ये मरे हुए जानवर भी यहाँ पर फेंके हैं। वैसे ही आदमी कोरोना से परेशान है और ये फेंक रहे हैं तो इससे बीमार होने का खतरा बहुत ज्यादा है। वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों का उपचार कर लोगों की जान बचा रहे डॉक्टर पर अमानगंज प्रशासन ने की कार्यवाही, दुकान को किया गया सील। अमानगंज के स्थानीय प्रशासन द्वारा आज अमानगंज पुरानी बस स्टैंड स्थित हेल्थ केयर क्लिनिक सेंटर पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए दुकान को सील कर दिया। वहीं लोगों का कहना है कि इस महामारी में प्राइवेट क्लिनिक संचालक भगवान बनकर वायरल फीवर के पीड़ित मरीजों का उपचार कर उनको जीवन दान दे रहे हैं और उन पर कार्यवाही करना कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। वहीं अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अमंतका तिवारी का कहना है कि हेल्थ केयर क्लिनिक जो सील्ड की गई है वहां पर कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते कार्यवाही की गई। बहरहाल मामला कुछ भी हो, मगर इन विपरीत परिस्थितियों वाले दिनों में क्लिनिक संचालक व स्थानीय प्रशासन को एक दूसरों का सहयोग करना होगा ताकि इस विषम परिस्थितियों में आम जनमानस को बचाया जा सके।